સે સમથિંગ ઇન ગુજરાતી ફોર યોર ગુજ્જુ ફેન્સ. નમસ્કાર દર્શકો, કેમ છો તમે બધા? હું મજામાં છું અને થેન્ક યુ સો મચ. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે મને બહુ જ બધો પ્રેમ આપો છો અને હું પણ મારું 100% આપું છું તમને એન્ટરટેન કરવા માટે. તમે બસ મને એમ જ પ્રેમ આપતા રહો, સપોર્ટ કરતા રહો. બસ તમે ને એક કામ કરો, તમે પહેલી વાત તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઇક કરો, શેર કરો ને નીચે કમેન્ટ પણ કરો. તમે આ બધું કરતા નથી અને તો પછી તમે કહો છો કે ગુજ્જુ ફેન ને આ ને તે, શું આનો મતલબ છે? મને કહો, તમે કરતા જ નથી કંઈ. યહાં પે મેરે કોર્સ લગે રહેંગે, समझी ना, तू घर जा भी रिक्शा पकड़ के. Hello, hello, hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, once again I'm back with a fun Q&A video for you all. And मुझे Q&A videos बहुत ही पसंद आते हैं because इससे आप सबको मेरे बारे में कुछ fun, interesting facts पता चलते हैं. और जो हमारी YT फैमिली में न्यू मेम्बर्स ऐड हो रहे हैं उन्हें मेरे बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी. सो कल मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी पोस्ट की थी दैट मैं एक Q&A वीडियो प्लान कर रहा हूँ. एंड आपने मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन पूछे हैं जिनको आज मैं आंसर करने वाला हूँ. तो कुछ भी भलते क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उनको मैं आंसर करूंगा भी, बट इन माय वे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, तो मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट ये कप जो है खाली है, कुछ है नहीं इसके अंदर. ऐसा टेबल काफ़ी खाली खाली लग रहा था तो आई थॉट कि कप रख देते अच्छा लगेगा. सो यू एन्जॉय द फ्रेम एंड लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज योर एज एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर एक्टिंग जर्नी एंड एट विच एज यू स्टार्टेड TMQC? ओके, सो मेरी एज को लेकर ना बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है बिकॉज गूगल पे, विकीपीडिया पे एंड बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स पे मेरी एज जो है गलत मैंशन की गई है. कोई बोल रहा है मैं 28 ईयर्स का हूँ, किसी ने तो क्लेम किया मैं 32 ईयर्स का हूँ. मेरी बर्थ डेट भी रॉन्ग लिखी हुई है वहाँ पे, 7 नवंबर, 7 अक्टूबर, ये अक्टूबर, वो फलाना ढिमकाना. सो माई बर्थडे इज़ ऑन 27 दिसंबर एंड आई एम इन दिस इंडस्ट्री सिंस 15-17 ईयर्स. एंड मैं बहुत छोटा था जब मैंने एक्टिंग करियर शुरू किया था अपना, ऑलमोस्ट 8 या 9 ईयर्स का रहूँगा. एंड TMQC जब मैं शायद 21 ईयर्स का था तब मैंने TMQC ज्वाइन किया था. योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? सो गाइज़, जो ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपको अभी कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता, रिवील कर नहीं सकता. एंड ऑफकोर्स गुड थिंग्स टेक टाइम, सो जस्ट पेशेंस दिखाइए थोड़ा, मैं भी दिखा रहा हूँ. सो आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स एंड CCTV बज रही है, दैट मीन्स समथिंग इज़ कुकिंग. व्हाट्स कुकिंग वो पता चलेगा आपको थोड़े टाइम बाद, टाइम लगेगा बट पता चलेगा आपको. सो या Give me some tips how to convince someone who doesn't love you. I think here you need to convince yourself that you don't have to convince anyone else to love you. You should love yourself first and then others. And I think love is that feeling जहाँ पे आप किसी को force नहीं कर सकते हो. So give them some space, time to think about it and it will just happen like this. Sir, love guru वाला feeling आ गया मुझे. How do you deal with negativity? Keep smiling, Raj. That's all we want. Thank you so much. So sweet of you. सो मैं नेगेटिविटी से पता है कैसे डील करता हूँ. मैं नेगेटिविटी से डील करता ही नहीं हूँ. जितना आप नेगेटिविटी से डील करोगे उतना आप अपने आप को अफेक्ट करोगे. सो फोकस ऑन योर सेल्फ, योर वर्क, योर गोल्स. एंड इफ़ यू नीड हेल्प, आपके पास नियर एंड डियर वंस है, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं. बट अगर आप नेगेटिविटी से डील करोगे नहीं, आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड थैंक यू सो मच, आई विल कीप स्माइलिंग. So next question is which subject you chose in class 11? So in junior college मेरा एक बहुत ही बड़ा tension था, pressure था कि क्या select करूँ because लोगों का भी मैं सुन रहा था, मैं अपने आप का भी mindset कर रहा था कि मुझे क्या लेना है. So we had two options, maths and SP और हिंदी SP था. सो पहले मुझे मैथ्स SP में जाना था बिकॉज लोगों ने इतना डरा दिया मुझे कि मैथ्स बहुत हार्ड होगा, कर नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है. तो फिर मैंने सेफर साइड हिंदी SP ले लिया एंड मुझे बहुत ही मज़ा आया हिंदी SP लेके. 2-3 मंथ्स के बाद जो मैथ्स के स्टूडेंट्स थे वो हमारे डिवीजन में आ रहे थे हिंदी SP के, बिकॉज वो लोग रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि भाई मैथ्स कभी भी मत लेना बिकॉज उन्हें बहुत टफ लग रहा था. तो देन मुझे लगा कि चलो मैंने अच्छा डिसीजन लिया है. हाउ मेनी TV शोज यू हैव वर्कड इन? आई हैव सीन यू इन शपथ, महाभारत एंड TMQC. सो एज आई I've been working in this industry since 16-17 years, so I've worked in a lot of TV serials. अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है बट मुझे कुछ कुछ याद है, लाइक महावीर हनुमान, कभी धूप कभी छाओ, गणेश लीला, गुमराह, सुप्रीम गूगल, एक मुट्ठी आसमान, मेरा नाम करेगी रोशन, महाभारत, एक रिश्ता साझेदारी का, TMQC. तो वैसे बहुत सारे शोज हैं और मैंने बहुत सारी TV एड्स में भी काम किया है, लाइक सर्फ एक्सेल, रेनॉल्ड्स काला, ट्रॉपिकाना, अप्सरा पेंसिल, माल्टोवा. अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी. What is your gym diet plan? तो guys मैं सुबह उठ के 2 बर्गर्स खाता हूँ, आफ्टर दैट लंच में 2-3 पिज़्ज़ा खाता हूँ एंड शाम को 3-4 milkshake and रात को बस वही फ्राइज, चीज़ बर्गर, चीज़ पिज्ज़ा एंड दैट्स इट, आई एम डन फॉर द डे। काश मैं ऐसा बोल पाता, काश मैं ये सब खा पाता। सो माई डाइट प्लान इज़ लाइक वेरी सिंपल। मैं बीच में बहुत ऐसा अच्छे से फॉलो कर रहा था, फिर वापस बीच में गैप आ गया। सो व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई हैव फेनल सीड वाटर एंड जीरा वाटर, then I have some almonds, कुछ fruits, then I go for my workout, then I come back, I have my protein। lunch में मेरा होता है plain खिचड़ी, salad, पापड़, curd, and yes I include buttermilk in my meals every day, mostly in the lunch। then option में मेरे पास है पनीर, पीस की सब्जी, जवार या बाजरी का रोटी, राजमा चावल, salad, buttermilk। तो ऐसे मैं कॉम्बिनेशंस बना के खाता हूँ। एंड मैं वीट नहीं खाता, मैंने ऑलमोस्ट कट डाउन 0 कर दिया है। सो इंस्टेड ऑफ वीट आई टेक जवार और बाजरी, एंड शाम को आई टेक चाय, एंड चाय के साथ आई टेक सम रोस्टेड मखाना और चना। एंड आफ्टर दैट डिनर मैं काफ़ी लाइट करता हूँ। सो आई हैव सूप, सैलड और कभी कभी स्किप भी कर देता हूँ। सो आई हैव मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क एंड देन आई एम डन। गाइस इतने सही सही सवाल पूछ रहे हो ना आप लोग, मुझे आंसर देने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा होने वाला है, आई एम डैम श्योर। सो यहाँ पे मुझे पूछा है आपका जिगर में आपके हंस रहे हो पीछे, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पढ़ा है, हंस आप वहां पे रहे हो। तो यहाँ पे मुझे पूछा है आपका अंडरवेयर ब्रांड है, बताओ भाई बताओ, इनको ये जानना है मुझसे। पूछा है आपने मेरे अंडरवेयर का नाम, पूछा है आपने मेरी अंडरवेयर का नाम, लाइफ में आपके पास कुछ भी नहीं है काम, हाँ, और मैं क्यों बताऊँ आपको, हाँ ये अंदर का मामला है, मैं आपको क्यों बताऊँ ये। यार कुछ अच्छे सवाल पूछ लो यार, क्या कर रहे हो। कितना प्यारा सवाल पूछा है किसी ने मुझे, इतना प्यारा कि मैं ब्लश कर रहा हूँ, मैं अपना वो रोग नहीं हो रहा हूँ। किसी ने पूछा शादी कब कर रहे हो। यार गाइस आप भी ऐसे सवाल पूछते हो ना यार, अभी मॉम डैड घर पे देखेंगे वो। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का, बाय द वे, ओके। सो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर, ऑन माय वर्क एज ऑफ नाउ। और शादी के लिए मैं देखूंगा, जब भी करूंगा मैं आपको बता दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा। एंड शादी का व्लॉग भी बनाऊंगा, काफ़ी अटेंड करना मेरी शादी वर्चुअली। और इंस्टाग्राम पे ढेर सारे प्री वेडिंग वाले, BTS और बहुत कुछ चीज़ें डालूंगा। और जो जिगर जी बैठे हैं, उनके फ्रेंड बैठे हैं, वही हमारा शूट करेंगे। अभी से आपको बुकिंग दे रहा हूँ मैं अपनी वेडिंग का, ठीक है, अभी से बुक कर लो। आपको 500 एक एडवांस भी दे रहा हूँ मैं। तो जब भी शादी करूंगा आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। योर मोस्ट हॉरीफाइंग एक्सपीरियंस टिल डेट। वैसे तो सच कुछ ऐसे हॉरीफाइंग एक्सपीरियंस है नहीं मेरी लाइफ में, बट येस आई रिमेंबर व्हेन आई वाज शूटिंग इन जैसलमेर फॉर एक रिश्ता साझेदारी का। वहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरीज सुनी थी कि यू नो यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे वो हुआ था। होटल से कुछ किलोमीटर्स दूर एक विलेज था, वहाँ पे बहुत सालों पहले पूरा जो विलेज था वो आई थिंक जल के यू नो उनकी सबकी डेथ हो गई थी। तो ऐसी बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनी थी हमने। एंड एक बार हमारे को एक्टर्स टेरेस पे जाके चिल कर रहे थे एंड सडनली दे इसकी डोर जो है लॉक हो चुका है, वो ओपन ही नहीं हो रहा था। और वहाँ पे लाइट्स भी आती जाती रहती थी, तो 1-2 बार लाइट्स भी चली गई थी। तो वो जो एक सिचुएशन थी काफ़ी डरावनी हो गई थी वहाँ पे। और मैं तो अकेले कहीं चल के भी नहीं जा सकता था। बट आई डोंट नो क्या सच है क्या गलत है, किसी ने मस्ती में डोर लॉक किया है या किसी ने ऐसे ही डोर लॉक कर दिया या सच में वहाँ पे भूत है, पता नहीं। मैं तो डर गया था भाई। ये इनको तो मैं अवार्ड दूंगा भाई, मंथली यूट्यूब इनकम पूछी है इन्होंने मेरी यूट्यूब इनकम पूछी है, वाह। आंसर तो मैं ज़रूर दूंगा, 1 मिनट। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे, मेरी यूट्यूब इनकम। सो जावा बापू आमा यार। ओके सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है योर फेवरेट कार और बाइक। ओके सो मेरी ऐसे कोई फेवरेट कार और बाइक नहीं है। एंड बाइक मुझे इतनी अभी पसंद नहीं है बिकॉज 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिससे मुझे बाइक पे बैठने के लिए बहुत डर लगता है। तो एक बार तो मैं डैड के साथ स्कूल जा रहा था और बस में से एक अचानक से अंकल उतरे और उनको बचाने के लिए डैड ने ब्रेक मारा और गाड़ी वहीं हमारी गिर गई और पूरी बाइक मेरे राइट लेग पे आके गिरी थी और मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो तब से मुझे बाइक पे बैठने के लिए बहुत डर लगता है। कार में कोई ऐसी पर्टिकुलर कार नहीं है, बट येस इफ़ यू से ब्रांड्स तो आई लव मर्सिडीज़ एंड ऑडी एंड BMW, ये 3 मेरी फेवरेट ब्रांड्स हैं, बट मर्सिडीज थोड़ा टॉप पे है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुंबई में फैंस मीट एंड ग्रीट कब रखोगे? सो इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है, कभी भी नहीं सोचा था, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक अबाउट इट एंड आई डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज यू नो ये सारी चीज़ें प्लान करने में थोड़ा टाइम लगता है एंड आई डोंट वांट कि मेरी वजह से आप सभी को कुछ प्रॉब्लम हो। सो बहुत जल्द मैं आपके साथ यू नो सारी डिटेल्स शेयर करूँगा अगर कुछ वर्कआउट हो गया प्लान। तो येस, दैट्स इट गाइज, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली क्वेश्चंस एंड आई होप आपको भी ये Q&A सेगमेंट काफ़ी पसंद आया होगा। सो इफ यू गाइज लाइक दिस वन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू, बाय बाय।